देखिए, सबसे बड़ा ये आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर पार्टिसिपेशन आप देख लीजिए, कितने जवान लोग यहाँ आए हैं। अगर हम ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट्स इवेंट्स करेंगे, मुझे लगता है कि जो वो खाली वैक्यूम टाइम जो हमारे नौजवान के पास है, जिसको कोई भी आदमी आकर उसका ब्रेन वॉश करके उसको स्वे करता है इल चीजों के लिए, अगर हम और भी इनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करें, मुझे लगता है जो एम्प्टी टाइम इनके पास होगा, अगर हम उनको इनकी फिजिकल बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे, मुझे लगता है काफी हद तक मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि सिचुएशन में क्या होगा, लेकिन एक चीज कह सकता हूँ कि इनका भला होगा। इमरान साहब, इनका भला जो है मिलिटेंसी का रास्ता छोड़ के वापस आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कैसा मैसेज जा रहा है स्टेट में? ये आप मुझे बताइए, ये तो बहुत अच्छी चीज है। अगर कोई घर वापस आता है, अपना ही खून है, अपने ही नौजवान है, भटके हैं, अब वापस आ रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। हमें तो इन लोगों को पूरी तरह से असिस्ट करना चाहिए। इनको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, इनको काउंसलिंग की ज़रूरत हो, इनको बाकी सोसाइटी में वी शुड हेल्प देम। और आप जानते हैं कि कितने फोर्सेस लगे हुए हैं कि हमारा जो यूथ है वो ख़राब हो जाए। देखिए, आज का इवेंट आपने देखा, अभी आपने देखा होगा, भंगड़ा चल रहा था, सब कुछ चल रहा था। यही चीज़ है जो हमारे पड़ोसियों को अच्छी नहीं लगती है। वो नहीं चाहते कि कश्मीरी के मुँह पर खुशी हो।